अपर लिम्स को क्या कहते हैं आर्म्स को अपर लिम्स कहते हैं राइट एंड लोअर लिम्स के बारे में भी डिस्कस किया लोअर लिम्स के किसको कहते हैं लेग्स को राइट right? तो हम लोग ने क्या क्या डिस्कस किया कि हम लोग ने uh, उसके बाद उसके बाद हम लोग ने डिफरेंट एक्सरसाइज को भी डिस्कस किया राइट right? इसको सो आई टोल्ड यू ऑल टू डू दिस एक्सरसाइजेस एट होम राइट परफॉर्म दिस एक्सरसाइजेस अंडर द सुपरविजन ऑफ योर एल्डर्स ओके सो इन टू क्लास हम लोग वी विल डू अबाउट द टॉपिक दैट इज़ नेक ओके आई डू होप वॉट डिस नेक मीन्स आप लोग को पता होगा नेक का मतलब क्या है आपके शरीर का इस भाग को क्या बोलते हैं नेक ओके okay? तो नेक क्या है ये नेक हमारे बहुत इम्पोर्टेंट um, बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है ओके इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी मीन्स ये नेक हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है ओके okay? क्योंकि वाई इट इज सो बिकॉज इट ज्वाइंस द हेड विद द रेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी क्योंकि ये नेक क्या करते हैं हमारे सर को बाकी के हमारे बॉडी के हिस्से के साथ क्या करते हैं जुड़ा रखता है जोड़ते हैं तो इसीलिए ये नेक बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हमारे बॉडी का राइट एंड दिस नेक हेल्प्स आवर हेड टू मूव अपवर्ड डाउनवर्ड लेफ्ट एंड राइट सो ये नेक क्या करते हैं हमारे सर को ओके okay, नीचे की तरफ ओके okay, डाउनवर्ड ऊपर की तरफ अपवर्ड लेफ्ट का मतलब है आ, दाए, लेफ्ट का मतलब बाएं की तरफ राइट मीन्स दाएं की तरफ तो ये पूरे हमारे सर को हिलाने में किस कौन सा चीज मदद करते है हमारे नेक ओके okay? हमारे नेक मदद करते हैं सो एंड वी आर एबल टू सी थिंग्स अराउंड अस विद द हेल्प ऑफ द मूवमेंट ऑफ द नेक ओके okay? तो ये नेक ही हमारे लाइक हम लोग को चारों और हमारे चारों और की चीजें को देखने के लिए क्या करते हैं मदद करते हैं जैसे कि अगर हम लोग को पीछे देखना है तो हम लोग क्या करते हैं हमारे सर को ऐसे पीछे की तरफ मुड़ते हैं तभी जब मुड़ते वक्त कौन सा चीज हिलते हैं ये नेक राइट अगर हम लोग को राइट साइड देखना है तो हमारे राइट right की तरफ हम लोग किसको मोड़ते हैं ये नेक के साथ हमारे सर को मूव करते हैं लाइक हिलाते हैं और लेफ्ट के लेफ्ट के तरफ देखते हैं तो हमारे नेक के साथ हमारे गर्दन के साथ ही हमारे हेड को हमारे सर को क्या करते हैं लेफ्ट की तरफ हम लोग क्या करते हैं मोड़ लेते हैं तभी ही क्या होता है हम लोग लेफ्ट राइट अपवर्ड डाउनवर्ड ओके बैकवर्ड ओके लेफ्ट ऑफवर्ड डाउनवर्ड ये पूरे डिरेक्शन पे हम लोग क्या कर सकते हैं हमारे हेड को टर्न कर सकते हैं अगर ये नेक नहीं होता तो हम लोग कैसे करते राइट सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी ये हमारे बॉडी का एक महत्वपूर्ण अंग है वी कैन वर्क विदाउट मूविंग आवर नेक तो बिना ये नेक को बिना गर्दन को हिलाए बिना क्या हम लोग काम कर सकते हैं नो नहीं राइट वी कॉन्ट वर्क विदाउट मूविंग आवर नेक अगर आप लोग को इफ आई टेल यू दैट विदाउट मूविंग योर नेक प्लीज टर्न योर हेड टुवर्ड्स लेफ्ट कैन यू मूव क्या आप मूव कर सकते हैं अगर मैं आप लोग को बोलती हूँ कि बिना आपके गर्दन को हिलाए बिना आप लोग लेफ्ट के तरफ आपके हेड सर को घुमाइए क्या आप कर सकते हैं नहीं नहीं कर सकते हैं राइट सो so, आपके हेड को राइट के तरफ मोड़ने के लिए लेफ्ट के तरफ मुड़ने के लिए डाउनवर्ड की तरफ मुड़ने के लिए अपवर्ड नीचे के तरफ देखने के लिए अपवर्ड ऊपर की तरफ मुड़ने के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट uh, क्या होता है आपके नेक ओके okay? नेक का जरूरी होता है अगर नेक को ऐसे दाएँ बाएँ हिलाते हैं तो आपका हेड भी हिल जाता है राइट सो विच दिस इज लाइक अ स्क्रू ओके दिस इज लाइक अ स्प्रिंग ओके इट एक्ट्स लाइक अ स्प्रिंग ओके इन आवर बॉडी तो इसके जो नेक के बिना हम लोग के हेड हम लोग का लाइक uh, like हेड को हम लोग चारो और नहीं क्या कर सकते हैं हिला सकते हैं राइट चिल्ड्रेन सो हियर दिस इज अबाउट द नेक ओके ये हम आपके नेक के बारे में है नेक का मतलब आपके गर्दन सो हियर इज द व्हाट साइन दिस वन वर्ड मीनिंग्स ओके इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स फर्स्ट वन इज वर्ड साइन लैंग्वेज साइन लैंग्वेज आप लोगों को मैंने बोला जब डेफ और डम जो लाइक uh, like बहरा और जो लाइक uh, गंगा like होते हैं गंगा और बहरे जिस जो, जो हो लोग होते हैं वो लोग क्या नहीं कर सकते हैं एक तो सुन नहीं सकते हैं और दूसरे तो देख नहीं सकते हैं इसीलिए वो लोग एक दूसरे से बात करने के लिए कैसा लैंग्वेज यूज़ करते हैं साइन लैंग्वेज और साइन लैंग्वेज कैसा होता है अपने हाथ से ऐसे करके राइट ए ऐसे करके बी ऐसे करके सी ऐसे करके डी डी ऐसे करके ऐसे करके दिखाते हैं तो दैट इज़ नोन एज साइन लैंग्वेज और राइट एंड बॉडी और स बॉडी ऑर्गेन्स का मतलब हमारे शरीर में क्या होता है हमारे बॉडी पार्ट्स में बहुत सारे क्या होता है पार्ट्स है अंग है राइट right? ऑर्गेन्स है जैसे कि फाइव इंपोर्टेंट पाँच हम लोग का इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गेंस क्या है आइज ईयर्स नोस टंग एंड स्किन ओके ये पांच ऑर्गेंस के अलावा भी हम लोग का क्या है बहुत सारे ऑर्गेंस है जो हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे कि एक्सटर्नल ये आईज ईयर्स नोज ओके एंड ये हैंड्स ओके okay, तो ये सारे का सारे चीज़ तो एक्सटर्नल ऑर्गेन्स से एक्सटर्नल का मतलब बाहरी ऑर्गेन बाहरी भाग तो हमारे शरीर के अंदर में भी तो बहुत सारे ऑर्गेन्स हैं जैसे कि हार्ट ब्रेन स्टोमक किडनी लंग्स ये पूरा का पूरा का शरीर को क्या करते हैं ये इसी की मदद से ही तो हमारे बॉडी फंक्शन करते हैं काम करते हैं राइट सो ये बॉडी ऑर्गेंस का मतलब है जो भी हमारे शरीर में पाए जाने वाले भाग अंग अंग इसको बोलते हैं बॉडी ऑर्गेंस ओके लिम्प लिम्प हम लोग ने पढ़ा कि लिम्प क्या है अंग है ऐसा अच्छी अंग हमारे बॉडी का जो ऊपर का अंग को हम लोग बोलते हैं अपर लिम और नीचे के अंग को बोलते हैं लोअर लिम ऊपर के अंग क्या है हमारे आर्म्स है और हैंड एंड अपर लिम्स भी बोलते हैं उसको एंड लोअर लिम्स का मतलब हमारे पूरे लेग और हम लोग लोअर लिम्स भी बोलते हैं ब्लिंक ब्लिंक का मतलब है शॉर्टिंग एंड ओपनिंग ऑफ आइज जब आप लोग आँख ऐसे मारते हैं ना आँख मारने को ब्लिंक बोलते हैं ऑलराइट तो हम लोग ब्लिंक हमारे आइज को ब्लिंक करते बिना करके हम लोग नहीं वो कर सकते हैं नहीं बच सकते हमेशा हम लोग हमारे आइज को क्या करते हैं ब्लिंक करते रहते हैं राइट सो दिस इज एट फोर्टी चिल्ड्रेन विद दिस वी हैव डिस्कस और विद दिस वी हैव कम्प्लीटेड सेकेंड चैप्टर ओके रिविजन ऑफ सेकेंड चैप्टर तो इसी के साथ हम लोग ने second चैप्टर का revision वॉक भी क्या हुआ है एंड कर लिया है खत्म कर लिया है चिल्ड्रेन सो इन आई विद दिस आई एम गिविंग यू द सोल्यूशन ऑफ़ द वर्क दैट आई गिव यू ऑन वेन सैटरडे राइट जो मैंने आप लोग को सैटरडे को वर्क करने के लिए दिया था ओके आप लोग को अपने लाइक लाइक टू डू इट योर सेल्फ आई टोल्ड यू ऑल टू सॉल्व इट योर सेल्फ ओके सो आई गिव द सोल्यूशन ऑफ़ दैट थिंग इन द Uh, with this video all right children and please check your answers okay check your answers and correct the thing so this is it for today i'll meet you in my next class children we will just uh, we will do the revision of uh, chapter three in the next class okay study well thank you